तो यहाँ से चाबहार जो है 135 किलोमीटर है, ईरान शहर 335 किलोमीटर, बंदर आबाद 780 किलोमीटर और तेहरान है 1850 किलोमीटर। अस्सलाम वालेकुम, हम मौजूद हैं गवादर में और तो आज हम जा रहे हैं, आपको ले जाएंगे जो गवादर और ईरान का जो बॉर्डर है, गवादर का रमदान बॉर्डर या 250 बॉर्डर जिसको कहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये 250 बॉर्डर है और उस तरफ ये रमदान बॉर्डर है। गवादर से जो इस बॉर्डर का फासला है वो तकरीबन 80 किलोमीटर है, एक से सवा घंटा लगता है इस बॉर्डर तक पहुंचने के लिए। तो हम जो है यहाँ गवादर से अब अपना सफ़र जारी कर चुके हैं, आज आपको ये बॉर्डर जो है दिखाएँगे और इस बॉर्डर की आज आपको सैर कराएँगे। तो हमने सफ़र यहाँ एयरपोर्ट रोड, ये जो है गवादर है, सामने जो है पुराने एयरपोर्ट को रास्ता चली जाती है, ये जो है रास्ता आगे कोस्टल हाईवे 0. जूनी आएगा, ये रास्ता सीधा तो आगे जो है कराची की तरफ और फिर तुर्बत की तरफ जाती है, लेकिन हम आगे से जो है 0. आएगा जूनी, वहाँ से लेफ़्ट टर्न कर जाएंगे। तो ये जो है सामने जूनी 0. है, तो यहाँ से अब हम जो है टर्न करेंगे लेफ़्ट टर्न, सीधा जो रास्ता है ये जाती है कराची के लिए और तुर्बत के लिए सीधा जाना पड़ता है। यहाँ पे जो है हम अब टर्न कर चुके हैं, अब हम इस शारा पे, ये कोस्टल हाईवे का वो हिस्सा है जो गवादर से आगे जीवनी और फिर आगे रमदान बॉर्डर तक जो है ये जाती है। तो इंशाल्लाह अभी एक घंटे में हम पहुँच जाएँगे। रमदान बॉर्डर या 250 बॉर्डर जो है एक तरह से ये तिजारत का भी, तिजारती बॉर्डर भी है, यहाँ पे कस्टम का काम भी होता है, क्लियरेंस का काम भी होता है, बहुत सारी चीज़ें जो इंपोर्ट होती हैं ईरान से और पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट होती है वो जो है इसी बॉर्डर के ज़रिए जाती हैं। एक तफ्तान से है और एक ये रमदान है। तफ्तान पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, तो आज आपके लिए हम बनाएँगे इस 250 बॉर्डर का और दिखाएँगे कि इस बॉर्डर पर क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं। किसी दौर में जो है ये ईरान बॉर्डर तक सवारी मिलना भी मुश्किल होता था, लेकिन अब कराची से जो है यहाँ पे कोच चलते हैं, कराची से आपको हर टाइम जो है सुबह के टाइम, शाम के टाइम यूसुफ गोट कराची से सवारी जो है वो मिल जाती है। कोच इस बॉर्डर पहुँचने, जैसे ये कोच देख रहे हैं आपके, ये अल मुमताज़ वालों की गाड़ी है जो ईरान बॉर्डर से आ रही है, कराची की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे अब सवारी का मसला भी नहीं है और रोड पे भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो है गाड़ियाँ क्रॉस कर रही हैं, और इसका ये मतलब है कि ईरान बॉर्डर से काफ़ी जो है काम जो है इस बॉर्डर पे हो रही है और लोग जो है काफ़ी काम कर रहे हैं यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो अब जो है 60 किलोमीटर फासला रह गया है, इंशाअल्लाह ताला हम 30 मिनट में पहुंचेंगे। ये एक और ट्रेलर भी जा रही है, ये मेरे ख्याल में इसमें बिचुमेन जो ये रोड बनाते हैं एस्फाल्ट, वो जो है रफ़ कंडीशन में इंपोर्ट होती है वहाँ से। आगे से एक रास्ता जो है जीवनी से पहले पिशुगान की तरफ भी जाती है, पिशुगान में एक खूबसूरत साहिल है, बीच उसका ज़बरदस्त है, वहाँ पे एक छोटा सा जजीरा भी है। पिशुगान पे ऑलरेडी हम एक तफसीलन वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख के तो इस खूबसूरत मकाम की सैर को भी जा सकते हैं। तो तकरीबन जो है गवादर से हम 20-25 किलोमीटर का फासला तय करके आ गए हैं। रास्ते में बहुत सारे जो है हाउसिंग स्कीम भी हैं, बने हुए थे पीछे गवादर गोल्फ सिटी का बड़ा ज़बरदस्त स्कीम था, और इस तरफ भी एक स्कीम जो है वो नज़र आ रही है जिसका गेट जो है एक बनाई गई है और बड़ा ही ज़बरदस्त स्कीम है और गेट माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन है, कुछ बोर्ड्स भी अंदर की तरफ जो है वो लगे हुए हैं। तो गवादर जो है तरक्की भी कर रहा है माशाल्लाह, ये देख के बड़ा ही अच्छा लगता है कि ये बोर्ड लगे हुए हैं लेकिन यहाँ पे नाम नहीं है इस स्कीम का, तो बड़ा ज़बरदस्त स्कीम है। इंशाल्लाह ताला गवादर बहुत जल्द मज़ीद भी तरक्की करेगा। ये जो है एक और स्कीम है जो चाइना पाक गोल्फ स्टेट है यहाँ पे, और इस तरफ काफ़ी स्कीम है, अगर आप हालांकि उस तरफ कोस्टल हाईवे जो गवादर से पहले कम स्ट्रीट है, वहाँ पे जीडा का ज़्यादा है और आर्मी का एरिया ज़्यादा है, इस तरफ जो है पब्लिक मतलब प्लेसेस इस तरफ ज़्यादा हैं और यहाँ पे ज़्यादा हाउसिंग स्कीम्स हैं। तो अब जो है 30 किलोमीटर का फासला रह गया है, इस तरफ अगर आप मेरे देखें तो उस तरफ कुछ पहाड़ जो आप देख रहे हैं ये
ये जो है अपना पिशुकान है, पिशुकान हम गए हुए हैं, और ये जो है गोल्फ सिटी अब आ गया है। अब तो बड़ा ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत जो है हाउसिंग स्कीम है गोल्फ सिटी का, जिसके गेट वगैरह बनाए गए हैं। ये गवादर से 30 किलोमीटर जो है वो जिमनी की तरफ है गोल्फ सिटी, और गोल्फ सिटी के बैक साइड पर अगर आप पहाड़ थोड़े हल्के नज़र आ रहे हैं, ये जो है पिशुगान का कस्बा है, पिशुगान टाउन है, और यहाँ पे भी बड़ा ज़बरदस्त बीच है, और यहाँ पे जो है हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो उसको देखकर इस खूबसूरत मकाम पे भी आप जा सकते हैं टूर करने के लिए। तो इंशाल्लाह अभी 15-20 मिनट में हम जो है पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो आगे से जो है ये एक और रोड निकल रही है, वो जा रही है जीवनी के लिए। तो जीवनी जो है यहाँ से कोई 10-20 मिनट लगते हैं जीवनी पहुँचने में, हम सीधा जाएंगे और इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में हम पहुँचेंगे अपने मकाम गब्द बॉर्डर पे, 250 पे, या रमदान बॉर्डर जो भी आप कहें, वहाँ पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला। ये रास्ता जो है इस तरफ जा रही है जीवनी की तरफ। अगली वीडियो इंशाल्लाह हमारे जीवनी की होगी। तो ये जीवनी क्रॉस से जो है गब्द बॉर्डर या 250 बॉर्डर तकरीबन 30 किलोमीटर है, और चाबहार जो है यहाँ से फिर 135 किलोमीटर है। मीन्स कि बॉर्डर आप जब क्रॉस करते हैं तो उससे 100 किलोमीटर आगे जो है वो चाबहार है। तो अभी गब्द का एक छोटा सा कस्बा हमने क्रॉस कर लिया है, तो अब सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर हम रह गए हैं 250 बॉर्डर पे पहुंचने के लिए। तो अभी इंशाल्लाह ताला हम अगले 5 मिनट में जो है वो 250 बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। सामने जो है अब मुझे पाकिस्तान और ईरान के जो झंडे हैं फ्लैग्स वो भी नज़र आ रहे हैं। तो हमें जो है अब तकरीबन 50 मिनट लगे हैं गवादर से यहाँ इस बॉर्डर क्रॉस पे पहुँचने के लिए। तो अब करते हैं इस जगह को एक्सप्लोर, यहाँ पे होटल्स देखते हैं, बाकी सहूलियात तमाम चीज़ें जो है इंशाल्लाह आपको सब चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये है 250 बॉर्डर, इसको रमदान बॉर्डर बोलते हैं ईरान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से 250 बॉर्डर जो है वो बोला जाता है। तो ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट के जो सामान हैं ट्रेलर आप देख रहे हैं कि इस वक्त दोनों तरफ खड़ी हैं, और यहाँ पे काफ़ी आबादी भी है, और इस तरफ कुछ अभी दुकानें भी जो हैं वो ज़ेरे तामीर हैं, और होटल्स वगैरह तमाम सहूलियात यहाँ पे मुझे अब दिखाई दे रहे हैं। तो अब बाकी चीज़ें भी चेक करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। तो इस तरफ एक होटल जो है, ये ट्रेलर गुजरे तो एलपीजी का भी बड़ा काम है यहाँ पे, आप देख रहे हैं कितनी गाड़ियाँ क्रॉस कर रहे हैं हमें। तो ये जो है एक क्वेटा अल्लाह हाफिज़ होटल, 250 बॉर्डर ग्वादर, और ये जावेद यूटोंग सर्विस का बस अड्डा है। ये कराची से जो है कोच सोराब गोट से निकलते हैं। सामने जो है पाकिस्तान और ईरान के झंडे लगे हुए हैं। तो मेरे पीछे जो है बिल्कुल बॉर्डर गेट है, अभी आगे भी हम जाएंगे। तो ये जितने भी आप पीछे जो ट्रेलर वगैरह देख रहे हैं, ये सारे इंपोर्ट का सामान लेके आ रहे हैं इस वक्त, ये फिर जाएंगे आगे कस्टम क्लियरेंस में। तो कस्टम का जो सेटअप है वो पीछे है, वहाँ पे भी हम जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे भी आपको ले जाएंगे। थोड़ा सा बॉर्डर की तरफ चलते हैं, वहाँ पे आपको घुमाते हैं। तो यहाँ से चाबहार जो है 135 किलोमीटर है, ईरान शहर 335 किलोमीटर, बंदर आबाद 780 किलोमीटर, और तेहरान है 1850 किलोमीटर। तो आगे चलते हैं FIA ऑफिस और बाकी चीज़ें चल के देखते हैं आगे। ये जो है पीछे इंतज़ार गया है, जहाँ पे ज़ायरीन जो आते हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए वो यहाँ पे वेट करते हैं। ये गाड़ियाँ हैं इनके ऊपर आते हैं। ये FIA ऑफिस है, इमिग्रेशन वगैरह यहाँ पे होता है। आगे पर राहदारी ऑफिस है लेवीज़ वालों का, और ये गाड़ियाँ जितनी भी हैं टैक्सी हैं, यहाँ पे लोग जो है इनके ऊपर आते हैं। कोच भी है पीछे, टर्मिनल भी है पीछे, एक होटल और कोच टर्मिनल को हम बाद में विज़िट करेंगे। तो ये जो है आखिरी हिस्सा है, अभी वहाँ सामने जो बोर्ड देख रहे हैं इस पर लिखा हुआ है वेलकम टू ईरान। तो यहाँ ईरान पाकिस्तान से अब हम ऐसे समझे कि निकल के आ गए हैं ईरान में। पासपोर्ट जो भी जिसके पास पासपोर्ट होता है, वीज़ा होता है, वो इन गेट से अंदर दाखिल होते हैं। बाकी राहदारी वाले जो है वहाँ से जा रहे हैं, वो भी इस वक्त जो है वो जा रहे हैं। राहदारी वाले जो यहाँ के लोकल लोग हैं, इनके पास राहदारी कार्ड है ईरान का,
तो उसके ज़रिए ये लोग जाते हैं, और इस तरफ से फिर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट वाले ट्रक आते हैं, एक्सपोर्ट वाले यहाँ से माल लेके जाते हैं, यहाँ से पीछे फिर पाकिस्तान है। तो ये यहाँ का इंतज़ार गाह है, ज़ायरीन जितने भी आते हैं वो यहाँ पे इंतज़ार गाह में बैठते हैं और फिर इमिग्रेशन करा के आगे जाते हैं। तो अब चलते हैं, आपको यहाँ पे कुछ पीछे होटल्स वगैरह दिखाते हैं। यहाँ पे इंतज़ाम सारे हैं, होटल अच्छे अच्छे हैं कि आप अगर रात को यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो होटल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये इस 250 बॉर्डर का NLC कॉम्प्लेक्स है, नेशनल लॉजिस्टिक सेल का गब्द बॉर्डर टर्मिनल है, और ये ज़ेर तामीर है, अभी जब बन जाएगा तो ट्रेड जो है मज़ीद फैसिलिटेट होगी। फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ कस्टम है, FIA है, लेवीज़ है, जो यहाँ पे जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ये जो है यहाँ बॉर्डर पे होटल बनाई गई है, बड़ी खूबसूरत इमारत है इस होटल की, और कमरे भी यहाँ पे अच्छे और मुनासिब मिल जाते हैं 2,000-3,000 पर नाइट में। होटल भी है, रहायशी होटल भी है, और इसके साथ खाना रेस्टोरेंट भी इस होटल में मौजूद है। ये फिर यहाँ बॉर्डर पे जो है अल मुमताज़ टर्मिनल है, जो कराची यूसुफगढ़ से बस आते हैं वो यहाँ पे आते हैं, और इसने अपने मुसाफिरों के लिए है यहाँ पे टर्मिनल भी बनाई हुई है, और कमरे भी हैं रिहाइश के लिए, वाशरूम वगैरह हर चीज़ जो है यहाँ पे इसने यहाँ मुसाफिरों की सहूलियात के लिए बनाई हुई है। बड़ी अच्छी जो है ना इस कंपनी का यहाँ पे सिस्टम है, बेहतरीन कमरे हैं, हर चीज़ यहाँ पे है। ये जो है यहाँ का कस्टम हाउस है, कस्टम का बड़ा अहम किरदार है यहाँ पे, जितने भी ट्रेड के ट्रक वगैरह आते हैं उनको कस्टम जो है फैसिलिटेट करते हैं, ट्रेडर्स को यहाँ पे टैक्स जमा होती है, जो GD है वो डिक्लेयर होते हैं, गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म यहीं पे भरे जाते हैं, और फिर इस सामान को यहाँ से क्लियर करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में फिर भेजा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यहाँ से अब मुझे पाक ईरान बॉर्डर 250 रमज़ान से दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, देखने का बहुत शुक्रिया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।